दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विटामिन के बारे में देखेंगे। विटामिन जो होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे शरीर के लिए, और इनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो भी विटामिन ए बी सी और बी में भी जितने टाइप्स हैं, सारे विटामिन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं आज तक के एग्ज़ाम में, उन सब टॉपिक को कवर करते हुए हम सबसे पहले पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, सारा अध्ययन करेंगे पहले विटामिन का। जब हमारा अध्ययन इसमें देखिए इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसकी प्रश्नोत्तरी भी करेंगे, महत्वपूर्ण जो इसे क्वेश्चन बने हैं आज तक के एग्जाम्स में। तो ये अगर आप वीडियो देखेंगे तो विटामिन से संबंधित जो क्वेश्चंस आना ही आना है आपके एग्ज़ाम में, एक से दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये आपका कवर हो जाएगा और बहुत इजीली वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं ये विटामिन। विटामिन जो होता है वो हमारी सब्जियों में पाया जाता है ज़्यादातर, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, शरीर के विकास के लिए, शरीर की रक्षा के लिए रोगों से, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। तो देखिए, विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, विटामिन जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरह से हम सब जो भी इम्पॉर्टेंट इसका टॉपिक ना कवर करते जाएंगे। देखिए, विटामिन हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को सामान्य रूप से चलाते हैं। पहली बात तो आपको ये जानना जरूरी है कि विटामिन जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि विटामिन हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को सामान्य रूप से चलाने में सहायक होते हैं। अब उससे भी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि विटामिन हमारे शरीर में स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते, मतलब विटामिन से हमको ऊर्जा नहीं मिलती, पर ऊर्जा संबंधित रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण जरूर करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में, क्वेश्चन आता है कि वो कौन से पदार्थ होते हैं जो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते पर ऊर्जा संबंधित रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, तो वो कौन होते हैं? विटामिन होते हैं, ठीक है। अब देखिए और भी क्वेश्चन जो बने हैं। विटामिन की कमी से शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। ये आपको पता है कि विटामिन की जब कमी होती है तो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, और हम डॉक्टर हमको फिर विटामिन की गोलियां वगैरह देता है। तो आगे देखिए, विटामिन की खोज वैज्ञानिक कैसिमीर फुंक ने की थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वैज्ञानिक कैसिमीर फुंक ने की थी विटामिन की खोज, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। अब देखिए, विटामिन मुख्यतः छः प्रकार के ए बी सी डी ई के की तरह के होते हैं, छः तरह के विटामिन होते हैं। देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ठीक है ना, और उसके बाद विटामिन के, ये छः प्रकार हैं विटामिन के, और आगे इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं तो कवर हो जाएगा। देखिए, विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलता है और कौन सा वसा में घुलता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि विटामिन बी और सी जो होते हैं ये जल में घुल जाते हैं, यानी शुरू के जो पहला विटामिन ए है उसको छोड़ दीजिए तो आगे के जो दो विटामिन बी और सी हैं वो जल में घुल जाते हैं। तो अगर ये जल में घुलते हैं तो बाकी फिर वसा में घुलते हैं। तो फिर वसा में कौन विटामिन घुलता है? जो चार बच गए, ए डी ई और के, वसा जैसे कि बेंजीन हो गया, ठीक है ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में। अब देखिए, हम क्रम से सारे विटामिन को पढ़ेंगे और इनके बारे में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बने हैं उनको कवर करेंगे। देखिए, विटामिन ए मुख्यतः आँखों से संबंधित होता है, यानी इसकी कमी से आँखों के कई रोग हो जाते हैं, आपको पता है आँखों में कमी हो जाती है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल नाम है, और ये गाजर का चित्र बना, इसका मतलब विटामिन ए जो है वो सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए जो है वो आम में भी पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, हम विटामिन ए के बारे में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं या जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको जान लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, आपको पता चल गया पहले ही। यह विटामिन वसा में घुलनशील होती है, यानी कि जल में नहीं घुलती। पहली विटामिन जो विटामिन ए है वो जल में नहीं घुलती, पर उसके आगे की दोनों बी और सी जल में घुलती हैं, ठीक है ना। इसके बाद है, विटामिन ए के अभाव में अंधेरे में कम दिखाई देता है, जिसे रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो ये आपको पता होगा बहुत पहले से ही कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी अगर किसी को विटामिन ए की कमी है, यानी कि रतौंधी हो रही है, नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा है, तो उसको विटामिन ए की कमी है और इसलिए उसे गाजर और आम वगैरह खाने चाहिए जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बच्चों में विटामिन ए के अभाव में कद का विकास
प्रभावित होता है, यानी जो विटामिन ए की कमी होती है जिन बच्चों में, उनकी हाइट थोड़ा कम होती है। आगे देखिए, विटामिन ए की कमी से आँखों में आंसुओं की कमी हो जाती है, यानी आँख में आंसू ही कम हो जाते हैं अगर विटामिन ए नहीं है। इसलिए जिसके आँख में आंसू की कमी है वो विटामिन ए वाली चीज़ जैसे गाजर आम वगैरह खाए, ठीक है ना, जिससे आंखें सूख जाती हैं, उनके घाव हो जाते हैं। तो अगर आंसू की कमी होगी तो आंख सूख जाएगी और उनमें घाव हो जाएगा, इसलिए विटामिन ए को पर्याप्त मात्रा में शरीर में पहुंचाना आवश्यक है। इसके अभाव में संक्रमित बीमारी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर विटामिन ए की कमी होती है ना, तो संक्रमण से जो बीमारियाँ होती हैं ना वो बढ़ जाती हैं और होने लगते हैं। इसके अलावा विटामिन ए जो है शरीर के विभिन्न अंगों जैसे त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़ा और हड्डी को सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। तो विटामिन ए के बहुत सारे यूज़ हैं, बहुत सारे अच्छे काम हैं हमारे शरीर में। इसके अलावा यह विटामिन दांत एवं हड्डियों को भी मजबूती देती है। वैसे तो विटामिन जो होती है वो आँखों से संबंधित है, पर इसके अलावा भी देखिए कितने सारे शरीर के विकास में ये सहायक है। दांत और हड्डियों की को भी मजबूती विटामिन ए देता है। ताजे फल, अब देखिए कहाँ पे विटामिन ए पाया जाता है। ताजे फल हो गए, दूध हो गया, गाजर हो गया, मांस, अंडा, मक्खन, मछली तथा हरी सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है और आम में भी पाया जाता है, इसमें है नहीं, ठीक है। पपीता हो गया, इनमें भी पाया जाता है। अब देखिए विटामिन बी के बारे में देखते हैं। विटामिन बी में कई सारे यौगिक हैं, यानी विटामिन बी के कई प्रकार हैं, ठीक है। देखिए विटामिन बी के अभी तक 8 प्रकार की खोज की जा चुकी है। विटामिन बी के जो 8 प्रकार हैं उनमें से देखिए विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 पर विटामिन B4 गायब है, ठीक है। इसके बाद है विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7 और इसी तरह विटामिन 8 गायब है। यानी विटामिन B4 और B8 दो विटामिन नहीं होते हैं, नहीं तो क्रम से विटामिन B1 से B9 तक पाए जाते हैं। मिसिंग कौन है? विटामिन B4 और B8, बाकी विटामिन B1, B2, B3 और B5, B6, B7। इसके बाद विटामिन B9 भी पाया जाता है और फिर विटामिन B12 पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं, इनसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चनों की हर एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है और आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके शरीर से संबंधित टॉपिक है। अब देखिए, जो विटामिन बी होता है यह 120 डिग्री तक की गर्मी सहन कर सकती है तथा इससे ऊपर गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। तो मतलब ये है कि बहुत अधिक गर्म करने पर भी विटामिन बी नष्ट नहीं होती है क्योंकि ये 120 डिग्री तक का ताप सह लेती है विटामिन बी। अब देखिए, विटामिन बी जल में घुलनशील होती है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि विटामिन बी और सी जल में घुल जाती हैं। यह विटामिन भूख को बढ़ाती है, तो विटामिन बी जो होती है वो भूख को बढ़ाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विटामिन के प्रमुख कार्य स्नायुओं को स्वस्थ रखना तथा भोजन के पाचन में सक्रिय योगदान देना होता है विटामिन बी के, ठीक है ना। अब देखिए, क्षार पदार्थों के संयोग से बिना किसी ताप के यह विटामिन नष्ट हो जाती है। यानी वैसे तो विटामिन बी जो होती है वो 120 डिग्री तक ताप सह लेती है और नष्ट नहीं होती, पर अगर आप विटामिन बी को क्षार पदार्थों के संयोग में यानी के संपर्क में लाते हैं तो बिना गर्म करे ही नष्ट हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना है कि विटामिन बी जो हो उसको क्षार पदार्थों यानी कि एसिडिक जो चीज़ें हैं ना उनसे दूर रखना बहुत आवश्यक होता है। अब देखिए, शरीर के विकास की दृष्टि से विटामिन बी अत्यंत आवश्यक विटामिन है। विटामिन बी के अभाव में रक्त यानी कि ब्लड व ऊतकों यानी कि टिश्यूज में पाइरूविक अम्ल एकत्रित होने से मनुष्य में बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन बी का अगर अभाव होता है तो ब्लड और ऊतकों में पाइरूविक अम्ल इकट्ठा हो जाता है और मनुष्य में बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, हम विटामिन बी के जो प्रकार हैं उनको थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना उनको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। देखिए विटामिन B1, यानी अगर जनरली विटामिन बी के बारे में क्वेश्चन आता है तो वो विटामिन B1 के बारे में ही आता है, ठीक है ना। याद रखना है कि अगर विटामिन ऐसे कहता है विटामिन बी, तो आपको जनरली विटामिन B1 को ही याद रखना है, उसी से संबंधित क्वेश्चन को विटामिन B1 को ही विटामिन बी माना जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन में। तो देखिए विटामिन B1 के बारे में, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। और इसके मुख्य जो स्रोत हैं
विटामिन बी वन के, वो मूंगफली आलू सब्जियाँ ये हैं। और विटामिन बी वन की कमी से ही बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, ठीक है ना, याद रखना। विटामिन बी वन थायमीन होता है इसका रासायनिक नाम। और विटामिन बी टू, बी टू जो है इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, और ये भी अंडा दूध हरी सब्जियों में पाया जाता है। और इसकी कमी जो होती है ना विटामिन बी टू, इससे त्वचा का फटना ये मेन चीज़ होता है जो कि हो जाता है इसकी कमी से। फिर है विटामिन बी थ्री जिसे नियासीन भी कहते हैं, इसके मुख्य स्रोत जो हैं वो मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली हैं। पैरों में जलन, बाल सफ़ेद होना इस विटामिन के अभाव में होने वाला मुख्य रोग है। पैरों में जलन होने लगती है, बाल सफ़ेद होने लगता है अगर विटामिन बी थ्री यानी कि नियासीन की कमी होती है शरीर में तो। अब देखिए विटामिन बी फाइव या पेंटोथेनिक अम्ल जिसका रासायनिक नाम है विटामिन बी फाइव का, इसके प्रमुख स्रोत की बात की जाए तो क्या है, मांस, मूंगफली, आलू हैं। और इसकी कमी से, देखिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि विटामिन बी फाइव जो है इसकी कमी से मासिक विकार हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बी सिक्स। बी सिक्स जो है विटामिन, इसका रासायनिक नाम पाइरीडॉक्सीन होता है, और इसके मुख्य स्रोत सब्जियां, मांस, दूध ही होते हैं। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कि जो एनीमिया रोग होता है वो विटामिन बी सिक्स की कमी से होता है, और विटामिन बी सिक्स का ही रासायनिक नाम पाइरीडॉक्सीन होता है। उससे भी इम्पोर्टेंट ये विटामिन है जो विटामिन बी सेवन है, विटामिन बी सेवन का अन्य नाम विटामिन एच होता है, याद रखना। बहुत बार पूछा जाता है कि विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है, और आप विटामिन एच तो पढ़े नहीं हैं, आप सोचेंगे ये तो विटामिन होता ही नहीं, तो जो विटामिन बी सेवन होता है ना जिसका रासायनिक नाम बायोटिन होता है उसे ही विटामिन एच भी कहा जाता है। और इसके प्रमुख स्रोत जो हैं विटामिन एच के वो गेहूँ, अंडा, ईस्ट होते हैं, और इसकी कमी से बालों का गिरना बढ़ जाता है। अब देखिए विटामिन बी नाइन, विटामिन बी नाइन का जो रासायनिक नाम होता है वो फोलिक एसिड होता है, फोलिक एसिड विटामिन बी नाइन का रासायनिक नाम होता है, और इसके प्रमुख स्रोत जो हैं ईस्ट, गेहूँ, अंडा होते हैं। और इसकी कमी से भी बालों का गिरना तथा चर्म रोग जैसी समस्याएं पैदा हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं विटामिन बी का जो लास्ट वाला विटामिन है जिसका नाम है रासायनिक साइनोकोबालमीन, ठीक है, विटामिन बी बारह रासायनिक नाम है साइनोकोबालमीन। इसके भी प्रमुख स्रोत मांस, दूध आदि होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि इसकी कमी से एनीमिया तथा पांडु रोग में त्वचा, आँख और श्वेत पटल जो हैं वो पीले पड़ जाते हैं, ये हो जाता है विटामिन बी बारह की कमी से एनीमिया तथा पांडु रोग हो जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये कि विटामिन बी बारह यानी साइनोकोबालमीन में कोबाल्ट पाया जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन बी बारह में। अब हम पढ़ते हैं विटामिन सी के बारे में जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आंवला इसलिए दिखाया गया है क्योंकि सबसे ज़्यादा आंवले में विटामिन सी पाई जाती है, ठीक है। और विटामिन सी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विटामिन होती है, वैसे तो ये जल में घुलनशील विटामिन होती है, और यह विटामिन सामान्य सर्दी जुकाम में दवा का काम करती है, समझ रहे हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम वगैरह हो जाते हैं तो आप विटामिन सी यानी कि खट्टे फल जो होते हैं जैसे आंवला वगैरह खा लेते हैं तो सर्दी जुकाम वगैरह ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये सर्दी जुकाम आदि में दवा का काम करती है विटामिन सी। यह विटामिन शरीर के खून की नसों को मजबूत करती है, ब्लड वेसल्स यानी कि खून की जो नसें होती हैं ना उनको भी यह विटामिन बहुत मजबूत करती है, इसलिए खट्टे फलों को जैसे संतरा और आंवला वगैरह खाते रहना चाहिए। और उससे भी देखिए अब विटामिन सी जो है इसके प्रमुख स्रोत देख लेते हैं, स्वीट्स फूड्स, खट्टे फल जो होते हैं आंवला, नींबू, संतरा, अंगूर, अमरूद, अनार, आम, ये सब और सब्जियां जो होती हैं इनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि मसूड़ों में सूजन हो जाती है और खून आने लगता है, ठीक है। अब विटामिन सी के अभाव में
शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी सिस्टम। आपने कोरोना काल में बहुत ज़्यादा देखा है, इम्यूनिटी सिस्टम मतलब कि प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि जो शरीर में रोगों से लड़ने के लिए जो एक सिस्टम बना होता है वो कमज़ोर हो जाता है अगर शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई। इसलिए खट्टे फलों का सेवन करते रहना चाहिए जिसमें विटामिन सी होती है। अब हम पढ़ते हैं विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे चित्र आप देखिए कि धूप का चित्र दिखाया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विटामिन डी जो है वो सूर्य की भगवान की रोशनी में पाया जाता है, और जो उससे क्या होता है कि शरीर की हड्डियाँ मजबूत होती हैं विटामिन डी से। तो जिन क्षेत्रों में या जिन एरिया में धूप बहुत ज़्यादा होती है, शरीर में लगती है लोगों को, तो उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, यह विटामिन शरीर की हड्डियों को बनाने और संभाल कर रखने में मदद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन डी होता है कि हड्डियों को मजबूत करता है, और यह विटामिन शरीर में कैल्शियम के स्तर को भी नियंत्रित करता है। कैल्शियम के स्तर को विटामिन डी नियंत्रित करता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और विटामिन डी की अगर कमी होती है तो बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाते हैं, यानी उनकी अस्थियाँ जो हैं मुड़ जाती हैं। विटामिन डी का प्रमुख, सबसे प्रमुख और प्राकृतिक स्रोत जो है वो सूर्य है, यानी कि सूर्य की रोशनी में विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दूध, मलाई, मक्खन, पनीर तथा मछली के तेल में भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें भी हैं जो इनमें विटामिन डी पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, और देखिए यह विटामिन जो ई है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन ई, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, और यह शरीर के प्रजनन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। पहली बात तो ब्यूटी विटामिन भी विटामिन ई को कहते हैं, यानी त्वचा की सुंदरता बनाए रखता है विटामिन ई, और साथ ही साथ प्रजनन से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। अगर इसकी कमी होती है तो शरीर में नपुंसकता आ जाती है। ठीक है ना, तो विटामिन ई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह विटामिन रक्त में आरबीसी को बनाने के काम आता है। पहली बात तो यह है कि ये आरबीसी को बनाने में काम आता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद देखिए कि जो विटामिन ई है, समय से पहले पैदा हुए शिशु में विटामिन ई की कमी से खून की कमी अर्थात एनीमिया हो जाता है। अगर समय से पहले शिशु पैदा हो गया तो उसमें विटामिन ई की कमी हो जाती है, जिससे उसको एनीमिया हो जाता है। इसकी कमी से स्त्री और पुरुष दोनों की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। याद रखिएगा, जो विटामिन ई है अगर इसकी कमी है शरीर में, तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। और विटामिन ई त्वचा को, त्वचा की जो सुंदरता है उसको बनाए रखता है, यानी इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चंस बने हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और इसके प्रमुख स्रोत जो है अंडा, दूध, अनाज, वनस्पति तेल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं विटामिन ई के। कौन कौन सी? अंडा, दूध, अनाज, वनस्पति तेल और हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, और ये टमाटर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खून हमारा कहीं चोट लगने पे बहने लगता है, उसको तुरंत ये जमा कर रोकने में मदद करता है। ठीक है ना, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो देखिए, विटामिन के का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। मतलब अगर चोट लग गई है अचानक से, तो जो खून बहने लगता है ना, ये विटामिन के एक्टिव होते ही खून को वहाँ से जमाने लगता है, जिससे खून का बहना बंद हो जाए। इसी को रक्त का थक्का जमना कहते हैं। और इसकी कमी से रक्त पतला हो जाता है। अगर विटामिन के की कमी है तो खून आपका पतला होगा, और अगर खून पतला होगा तो फिर क्या होगा कि खून बहेगा तो बहता रह जाएगा, रुकेगा नहीं। ठीक है ना, अपने आप जमेगा नहीं जहाँ से बह रहा है, तो फिर आपका खून बहुत निकल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके प्रमुख स्रोत पालक, इसलिए पालक खाते रहिए, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जी, अंडा, पनीर, दूध, इन सब चीज़ों का सेवन करते रहिए, और विटामिन के को शरीर में पर्याप्त पहुंचाते रहिए। तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस में। हमने काफ़ी चीज़ों को पढ़ा और सब चीज़ों के बारे में जानकारी ली, जितनी भी विटामिन सब के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी जानकारी थी सब ले ली। अब टाइम है प्रैक्टिस करने की, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण मशूनों से रक्त निकलना, यानी कि ब्लीडिंग गम की समस्या पैदा हो जाती है। हमने अभी पीछे पढ़ा कि विटामिन सी जो होती है ना, एस्कॉर्बिक एसिड का रासायनिक नाम है, और जो खट्टे फलों में पाई जाती है, इसकी कमी से मशूनों में सूजन आ जाती है और खून निकलने लगता है। तो जो हमारा इसका आंसर हो गया विटामिन सी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस विटामिन के अभाव में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। हमने अभी पढ़ा कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, और शरीर की जो अस्थियां हैं वो मुड़ जाती हैं, अर्थात विटामिन डी इसका आंसर है। और विटामिन डी के लिए हमको सूर्य की रोशनी और क्या नाम है जो मछली के अकृत में, इन सब चीज़ों में विटामिन डी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। मेन जो स्रोत है वो सूर्य की रोशनी है।
किस विटामिन की कमी के कारण स्त्रियों में बांझपन तथा पुरुषों में नपुंसकता का खतरा बढ़ जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो हमने अभी पीछे पढ़ा जो ब्यूटी विटामिन यानी विटामिन ई है, उसकी कमी से ही पुरुषों में बांझपन और नपुंसकता जैसी समय स्त्रियों में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? विटामिन ई। चलिए अब अगले क्वेश्चन में जाते हैं। विटामिन डी की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पैदा हो जाती है? हमने अभी पीछे पढ़ा रिकेट्स नामक रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से बच्चों में, और बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, ठीक है ना। अंधेरे में कम दिखाई देना रिकेट्स नामक रोग हो गया, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, सॉरी दोस्तों। और ये है मसूड़ों से रक्त निकलना यानी स्कर्वी नामक रोग हो गया, जो कि विटामिन सी की कमी से है। और स्त्रियों में बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। ब्यूटी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? मैंने बताया था ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वैसे जो भी मैंने टॉपिक लिया है बहुत छांट छांट के लिया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को ही मैंने रखा है, बेकार की चीज़ें इसमें कुछ भी नहीं है। तो सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम्स में इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। ब्यूटी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। विटामिन की खोज करने वाले कैसिमीर फंक ने किस वर्ष सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग किया? तो यही 1911 में ही उन्होंने विटामिन शब्द का प्रयोग किया, और फिर 1912 में विटामिन की खोज की। अब देखिए छिली हुई सब्जियां को धोने से कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं? तो जो हमारी विटामिन सी होती है ना, ये छिली हुई सब्जियों में को अगर धो देते हैं ना तो नष्ट हो जाती हैं। अगर छील के सब्जी और धो देते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाती है, इसलिए हमको सब्जी पहले ही धो लेना चाहिए काटने से पहले। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं ब्लड क्लोटिंग अर्थात रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन महत्वपूर्ण होती है? हमने पढ़ा था विटामिन के जो होती है वो ब्लड क्लोटिंग अर्थात रक्त का थक्का बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, हमने बताया था। विटामिन ये डी है कैल्सिफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है, और विटामिन B1 थायमिन विटामिन B1 का नाम है रासायनिक। अब देखिए वैज्ञानिक मैकुलन ने किस विटामिन की खोज की थी? तो जो वैज्ञानिक मैकुलन है उन्होंने विटामिन ए और बी दोनों की खोज की थी, ठीक है, ए और बी दोनों की खोज वैज्ञानिक मैकुलन ने की थी। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अभी पढ़ा था कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, और B7 जो विटामिन है ना इसको ही बायोटिन इसका रासायनिक नाम है, और इसको विटामिन एच भी कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? जब हम विटामिन ए पढ़ रहे थे तो उसमें गाजर का चित्र था, इसका मतलब गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाई जाती है। विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो हॉपकिंग जो है ना, ये हॉपकिंग ने विटामिन सी की खोज की थी। अब हम पढ़ते हैं शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? अभी इसके पीछे ही हमने पढ़ा, सॉरी देखिए अगर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको लग रहा होगा विटामिन के होगा इसका आंसर, पर इसका विटामिन के आंसर नहीं है। दो क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन बनता है कि अगर जो खून है, खून का जमाव यानी खून का बहना यानी रक्त का थक्का किस विटामिन से जल्दी भर जाता है, जल्दी बनने लगता है, तो वो विटामिन के है। अगर खून का रक्त का थक्का कहेगा तब विटामिन के कहेंगे, पर अगर ऐसे कहेगा कि शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है तो यहाँ पर आंसर सी होगा। विटामिन सी से रक्त का जो शरीर का घाव होता है वो बहुत जल्दी भर जाता है। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? तो ये आंसर इसका ए और डी होगा। मछली के यकृत में ए और डी दोनों विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? अब देखिए यहाँ पर बायोटीन विटामिन B7 का नाम होता है, जिसे विटामिन एच भी कहते हैं। साइनोकोबालमिन B6 का नाम होता है, B12 जो होती है ना उसका रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन होता है, और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और उसके बाद देखें जो विटामिन के होता है उसका टोकोफेरॉल होता है, और ये फिलोक्विनो ये विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। विटामिन और उनके रासायनिक नामों का कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए B2 विटामिन B2 जो होती है उसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, सही बात है। B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है, ये भी सही है, पर B5 का जो होता है ना वो पेंटोथेनिक होता है, अम्ल होता है, और इसका B9 का फोलिक एसिड होता है, यहाँ गलत है, क्योंकि जो फोलिक एसिड है B9 का नाम होता है रासायनिक, और B5 का पेंटोथेनिक अम्ल होता है, और यहाँ B6 का पाइरिडॉक्सिन सही है। अब देखिए शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को कौन सा विटामिन नष्ट कर देता है? शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को विटामिन ई जो होता है वो नष्ट कर देता है, क्योंकि विटामिन ई जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? तो जो विटामिन सी है ये खट्टे फलों में पाया जाता है, दूध में नहीं पाया जाता। इसके अलावा बाकी सारे विटामिन दूध में पाए जाते हैं, याद रखिएगा विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता, बाकी सारे विटामिन पाए जा रहे हैं जो इसमें हैं। जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो मैंने बताया था आपको, शुरू का पहला छोड़ दीजिए तो आगे के दोनों विटामिन जल में घुल जाते हैं, यानी विटामिन ए जल में नहीं घुलता पर बी और सी जल में घुल जाते हैं, बाकी के जो बचे हुए सारे विटामिन हैं वो जल में नहीं घुलते बल्कि वसा में घुलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। अब जैसे इस तरह से आपको दे दिया, कह दिया कि इसमें से किससे ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, तो आपको लगेगा विटामिन तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे ऊर्जा मिलती होगी। ऐसा नहीं है, विटामिन से ऊर्जा हमको नहीं मिलती, पर ये हमारे लिए क्या होते हैं, रक्षात्मक पदार्थ होते हैं, डिफेंसिव सबस्टेंस, यानी शरीर को रोगों से बचाते हैं, बाकी सब में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, विटामिन, यानी कि विटामिन में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रक्षात्मक पदार्थ डिफेंसिव सबस्टेंस कौन से हैं? तो जो हमारे विटामिन होते हैं उन्हें ही हम रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं और बचाते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? मानव शरीर के यकृत यानी लीवर में विटामिन ए जो है वो भंडारित होता है। ठीक है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन से विटामिन सहायक होते हैं? हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन ए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना, और ई भी विटामिन संक्रमण रोकने में सहायक होती है, पर यहाँ पे तो जो हमारा मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सी विटामिन सहायक होती है आपको पता चल गया, विटामिन ए इसका आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो गेहूं के अंकुर का तेल जो होता है ये विटामिन ई यानी कि ब्यूटी विटामिन का प्रमुख स्रोत होता है। और अगला क्वेश्चन है कि विटामिन निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो इसका आंसर हो गया विटामिन बी, विटामिन बी में नाइट्रोजन पाई जाती है। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, नियासिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन बी थ्री जो होता है उसका ही रासायनिक नाम नियासिन होता है, आपको पता ही है। तो इसकी कमी से, देखिए रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेट्स डी की कमी से होता है, और ये जो मरम्मस नामक रोग होता है विटामिन बी नियासिन की कमी से हो जाता है। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है? हमने अभी पढ़ा था ऊपर की जो विटामिन सी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे मजबूत करती है, ये जल्दी ही मतलब नष्ट हो जाती है धूप में। ठीक है, तो विटामिन सी जो होती है वो हीट द्वारा यानी थोड़ी से भी गर्म करने पर जल्दी ही नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से हमने विटामिन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सब कवर कर लिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी सब कवर कर लिए। ये सारी ही जानकारी और क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में देखने को अभी तक मिली हैं, सबको हमने कवर कर लिया। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।